दोस्तों मार्केट में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मतलब 80,000 रुपए के जूते, 1,00,000 की NFT फोटो एंड 85,000 रुपए की घड़ी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कंगाली के दिन दूर नहीं है। वैसे आज मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इतने टाइम बाद फाइनली इतनी कड़ी मेहनत, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और क्या होता है त्याग के बाद फाइनली अफोर्ड कर ली है एप्पल की 85,000 रुपए वाली अल्ट्रा वॉच की कॉपी। अबे साले, इस वीडियो में एप्पल के इस एग्जैक्ट रेप्लिका मास्टर क्लोन कॉपी को चेकआउट करेंगे, देखते हैं क्लोन है भी या फिर नहीं, या फिर पैसा बर्बाद है। वैसे ये वाली घड़ी ना मुझे मेरे कजिन ने दिखाई। I wasn't into so much of clone watches until this one. Let's see how it goes. यार ये देखो, ये है इसका बॉक्स। इवन जो पेपर की क्वालिटी है ना, ये भी थोड़ी प्रीमियम सी लग रही है। यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है एंड साइड में एक स्टिकर मिल जाता है। प्राइस जो है वो यहाँ पे 90,000 रुपए की मेंशनड है। इवन सीरियल नंबर भी मेंशनड है। मतलब भाई देख रहे हो, कॉपी हो रही है तो बिल्कुल तरीके की हो रही है, भले कागज कहीं पे भी घर पे ही छपा हो। अब पीछे की तरफ भी यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स मेंशनड है, जैसे कि अल्ट्रा वॉच है, 49mm है, ऑरेंज एल्पाइन लूप इसके अंदर मिलता है हमको, एंड बाकी सारी IMEI नंबर वगैरह की, खैर बेकार की चीजें हैं। इसको ओपन करते हैं। ओरिजिनल बॉक्स जैसी पैकेजिंग यहां पे देखने को मिल रही है, एंड ये देखो भाई, पेपर भी एग्जैक्ट वैसा ही ओरिजिनल का कॉपी बनाया है। अंदर बॉक्स भी कॉपी है, पीछे की तरफ कोई डिटेल्स नहीं है, एंड यहां पे मेंशन है एल्युमिनियम अलॉय केस है 49mm के अंदर। ओपन करते हैं इसको, तो सबसे पहले ना एक QC पास का यहाँ पे एक सर्टिफिकेट टाइप का मिलता है, पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ये है भाई इसका एल्पाइन लूप, एंड इसको ये देखो यार, ये भी क्वालिटी काफी सही लग रही है, इसकी मेटल है पूरा। दूसरी केसिंग के अंदर हमको मिल जाता है यहाँ पे एक इसका वायरलेस चार्जर, जो कि यहाँ पे मेंशन है फास्ट चार्ज। सबसे मजे की बात है हमारी वॉच का डायल एंड बाकी सब कर देते हैं साइड में, सिर्फ इस डायल को ध्यान से देखते हैं। मस्त लग रहा है भाई। तो यार ये देखो, पैकेजिंग भी एग्जैक्ट एप्पल जैसी दी हुई है इन्होंने। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ना थोड़े से बबल्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, दैट्स बिकॉज़ अभी ना मैंने पूरी इस वॉच को रीपैक किया, जस्ट बिकॉज़ मैं आपको दिखा पाऊं कि इसका अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस है कितना एग्जैक्ट कॉपी। तो अब इसकी पन्नी उतार देते हैं भाई, एंड देखो भाई ये है इसकी डिस्प्ले, रोटेटर है, ऑन कर लें। ओ भाई एप्पल लोगो, एंड ये देखो भाई स्टार्ट हो गई। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये कितनी कॉपी मास्टर क्लोन बनाई गई है। सबसे पहले अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। तो भाई नो डाउट बहुत ही गजब का क्लोन है अपीयरेंस में, एंड आप डायल साइज देखो, लेफ्ट साइड पर हमको ऑरेंज बटन मिल जाता है जो कि एक्शन बटन है डेडिकेटेड। ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है, इवन ऊपर नीचे दो अलग अलग पंच होल्स भी हैं जो एग्जैक्ट OG वॉच के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। पीछे की तरफ भी देखो ना, तो ये पूरा ग्लास है, चारों तरफ हमको स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं। इवन बीच में यहाँ पे ये स्ट्रैप लॉक्स के मैकेनिज्म भी दिए हुए हैं, वो भी दोनों तरफ। मैंने ना 2-3 तरीके के क्लोन्स देखे इस वाली पर्टिकुलर वॉच का जो मार्केट में इस टाइम पे चल रही है। एक तो बहुत ही हल्की क्वालिटी का था, वो हटा दिया, एंड इससे एक हल्की क्वालिटी ये वाली भी है जो मैंने एक्चुअल में इस टाइम पे पहनी हुई है। एंड अब मैं इसमें आपको डिफरेंस दिखाता हूं कि कितना मेजर डिफरेंस है। इसकी अगर आप बैक देखो, जहां पे देखो ये मास्टर क्लोन के अंदर ना चारों तरफ स्क्रूज लगे हुए हैं, एंड यहां पे बीच में मैकेनिज्म भी वर्क करता है, क्लिकेबल है। लेकिन इस वाली क्लोन, हल्की वाली क्लोन के अंदर स्क्रूज एंड जो ये मैकेनिज्म है, ये सिर्फ प्रिंट कर दिया है एंड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। जब पहली बार मैंने ये डिफरेंसेस देखे तो पता मेरे मन में क्या आया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब बैक टू OG वाला क्लोन, अगर हम इसके स्ट्रैप को देखें, इसकी मटेरियल क्वालिटी को देखें, तो ये जो इसके हुक्स है ना, ये कंप्लीटली मेटल के हैं। यहाँ पे देखो बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल की तरह यहाँ पे सारे वो दिए हुए हैं लॉक्स। इवन पीछे की तरफ यहाँ बीच में मेटल लॉक भी दिया हुआ है, एंड इस तरफ ये जो 6 वाला हुक है, ये भी पूरा मेटल का है। इसको जब हम यहाँ पे स्लाइड करके एडजस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है, अनलाइक द लोकल वाला क्लोन्स। ये देखो लोकल वाले में ना बीच में कोई लॉक मैकेनिज्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंटेड है, एक्चुअल में काम नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से गया बैंड एंड दूसरी तरफ से निकल गया। तो क्या हो सकता है कि जब हमने पहनी हुई है, कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं भाग भाग रहे हैं, या थोड़ी सी कहीं पे भी वर्कआउट वगैरह में कहीं पे भी निकल के गिर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। भाई कॉपी करने की हद बताऊं, इसके स्ट्रैप में जो ये 6 वाला हुक है ना, इसको मैंने अपनी स्क्रीन पे ऑफिशियल एप्पल की साइट पे, देखो ये वाला इसका फोटो है, एंड इसके ऊपर मैं ये रखता हूँ। देखो भाई एग्जैक्ट सेम साइज, कोई सेंस है इस बात की, हमें बहुत लग रही है। अब इस वाली घड़ी के अंदर ना मुझे ये एल्पाइन लूप मिला है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, इस रबर वाले ओशन ब्रांड से। बेसिकली अपनी अपनी चॉइस है, ये तो किसी को कोई भी समझ में आ सकता है, लेकिन देखने वाली बात है, मतलब 1,000, 2,000, 3,000 हर रेंज की घड़ी के अंदर रबर के स्ट्रैप्स ही आते हैं। तो इस तरीके का जो एप्पल ने फैशन सेंस सेट किया है, वो अगर मिल रहा हो और अच्छी क्वालिटी में मिल रहा हो, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। अब ना इसका चार्जर भी चेकआउट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे पीछे इसको कनेक्ट किया, ये चार्जिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो मैग्नेटिक चार्जर है ना, ये इतना ज़्यादा पावर
पावरफुल नहीं है, मतलब वॉच का जो वेट है उसको अकेला नहीं झेल पा रहा बिल्कुल भी। बस नॉर्मली अगर आप टेबल पे रख लो तो चार्जिंग का काम बढ़िया निकाल दे रहा है। घड़ी डेफिनेटली भाई काफी प्रीमियम लग रही है, इवन जो वेट का मैनेजमेंट किया है ना, 63 grams की ये वॉच है, काफी प्रीमियम लग रही है। अब चेकआउट करते हैं इसकी स्क्रीन एंड OS के फीचर्स। तो यार देखो ये है इसकी स्क्रीन, यहाँ पे बहुत सारे, सबसे पहले तो हमको वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जो आप मल्टीपल, बहुत सारे हैं, आप कोई भी लगाना चाहो लगा सकते हो। लेकिन देखने वाली बात ये है, बीइंग अ क्लोन यहाँ पे काफी सही से मैनेज किए गए हैं, जो बेजल्स हैं इसके काफी कम रखे गए हैं, कंसिडरिंग कि ये एक सस्ता वाला क्लोन बनाया गया है। इसके अलावा जब हम यहाँ पे पुश करते हैं तो यहाँ पे पूरा ये मेन्यू मिल जाता है, हनीकॉम का टच काफी ज्यादा स्मूद है, सारे यहाँ पे एप्स देखने को मिल जाते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज जो काफी सारे आपको वॉचेस के अंदर नहीं मिलेगा, कोई भी अगर ऐप यहाँ पे सेंटर में है ना, एंड हम यहाँ पे साइड में अगर इस बटन को यूज करते हैं जूम इन जूम आउट वाले को, रोटेट करके आप जो भी सेंटर में ऐप होगी वो डायरेक्टली खुल जाएगी। देखो जैसे ये अभी कॉन्टैक्ट्स था तो कॉन्टैक्ट्स खुल गया, लेट्स से मैं यहाँ पे म्यूजिक को सेंटर में रखता हूँ एंड तब जब इसको जूम इन करता हूँ तो देखो म्यूजिक खुल गया। साइड में यहाँ पे एक्शन बटन मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट मैप्ड है म्यूजिक ऐप से, यहाँ पे म्यूजिक कनेक्ट हो जाता है अपने फोन से। इसके अलावा ना यहाँ पे काफी सारे वर्कआउट मोड्स हैं, यहाँ पे देखो रनिंग मोड है तो यहाँ पे ये रनिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पे साइकिलिंग है एंड ट्रेडमिल मोड भी है, आपको ऐसे स्टिल साइकिलिंग वगैरह करनी हो तो ये भी यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। इवन जो इंटरफेस देखो ना तो वो काफी प्यारा लग रहा है, मतलब काफी अच्छे से इंस्पायर्ड है ओरिजिनल वाले से। एंड एंड कर दिया हमने ऑल फीचर्स को चेकआउट करें तो यहाँ पे फुल डेडिकेटेड कैलकुलेटर भी मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर भी मिल जाता है, हार्ट रेट चेक कर लेते हैं यार। तो इसने जो रीडिंग दी है वो 85 BPM दी है। देखो हार्ट रेट मॉनिटर कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 800 से लेके 1500 वाली घड़ियों में भी आ रहा है, तो ये तो फिर भी उससे थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम हो गई, तो ये सेंसर तो ठीक है। लेकिन मजा तब आया जब इस घड़ी के अंदर मुझे ऑप्शन मिले बीपी नापने के एंड बॉडी टेम्परेचर के। अब ये वाले जो दोनों ऑप्शन है ये एक्चुअल 90,000 वाली घड़ी में अवेलेबल है, लेकिन इसमें जो रीडिंग ना वो भाई फर्जी समझना, एक्चुअल रीडिंग्स आपको नहीं देगा ये बीपी या फिर बॉडी टेम्परेचर के। सेटिंग्स में देखे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि एक म्यूजिक का स्विच है, यहाँ पे इवन रेज द रिस्ट टू ब्राइटनेस का भी स्विच है, विच मींस कि अगर मैंने इस तरीके से वॉच अपनी नॉर्मल यूसेज में रखी हुई है एंड ये डिस्प्ले बंद है तो जैसे ही मैं अपनी तरफ देखूंगा तो ये डिस्प्ले यहाँ पे ऑन हो जाती है। भाई मजे की बात है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है एंड ऑन करने के बाद तो इस तरीके की आ जाती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल वॉच की तरह यहाँ पे ये डिफरेंसेस आ जाते हैं एंड ये काफी कूल लगता है। राइट स्लाइड पे हमको यहाँ पे पूरा हेल्थ डेटा मिल जाता है, कितना चल रहे हैं एंड बिल्कुल एग्जैक्ट ओरिजिनल की तरह। इसके बाद यहाँ हार्ट रेट मॉनिटर, यहाँ म्यूजिक, वेदर, स्लीप मॉनिटर एंड दोबारा से घड़ी, नीचे की तरफ यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं एंड यहाँ ऊपर की तरफ अगर स्वाइप करते हैं तो ये कुछ नॉर्मल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये ब्राइटनेस कंट्रोल, हम म्यूजिक सेटिंग्स हैं, नॉर्मल सेटिंग्स में जाने के लिए एंड सो ऑन। इसके अंदर कॉल भी पॉसिबल है एंड यहाँ पे म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। एक छोटा सा ट्विस्ट है इस घड़ी के अंदर, पहला अल्ट्रा 8 के नाम से एंड दूसरा जो आएगा ना वो यहाँ पे वॉच कॉल के नाम से आएगा। वॉच कॉल जैसे ही आप कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे जो है वॉच की दोनों फंक्शनैलिटीज ऑन हो जाएंगी, कॉल करके बातचीत करने की एंड स्पीकर्स पे गाने सुनने की। गाना इसमें चल रहा है, आवाज इसमें से आ रही है। थोड़े बहुत अपने कमरे के अंदर मतलब रात को हल्के फुल्के गाने चलाने हो तो चला सकते हो। अरे मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? तो मैं ये कह रहा था मैं घड़ी से बात कर रहा हूँ। चल ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। ओके भाई, कॉल एंड स्पीकर क्वालिटी काफी अबव एवरेज कहूंगा मैं, नॉर्मल 1500-2000 की वॉचेस में इस तरीके की क्वालिटी आपको नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे लेफ्ट स्वैप करके हमको एक स्कैन कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके हम सीधा इसकी ऐप पे पहुंच जाते हैं एंड इसकी ऐप में अंदर एंटर होने के बाद बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे वॉच फेसेस में एंड यहाँ हजारों वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। एक मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ तो देखो इस तरीके से अपडेट हो गया एंड डन। इसके अलावा बाकी के फीचर्स देखते हैं तो बहुत सारे एक्सरसाइजिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो जो यहाँ पे वॉच पे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जंप रो, बहुत सारे वर्कआउट मोड्स हैं बेसिकली। इसके अलावा फाइंड माय डिवाइस का भी फीचर है जो कि फोन से हम क्लिक करते ही अपने वॉच को डिटेक्ट कर सकते हैं, एक सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है कि कहां पर है। लोगो भी चेंज कर सकते हैं जो हमको ऑन ऑफ पे दिखा रहा होता है। इसके अलावा अगर हम अदर्स में जाते हैं तो और भी काफी सारी सेटिंग्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पे फर्मवेयर अपग्रेड भी डायरेक्टली इसी ऐप में से हो जाता है। अब आफ्टर चेकिंग ऑल द मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिस तरीके के मार्केट में हैं एंड फॉर द
प्राइस दैट आई पेड आई कैन डेफिनेटली से कि यस ये वन ऑफ द बेस्ट क्लोन्स अवेलेबल इन मार्केट है इस टाइम पे कीपिंग इन माइंड जो ओएस इसका ऑफर कर रहा है जो डिस्प्ले एंड टच क्वालिटी है जो यहाँ पे मटेरियल्स की क्वालिटी यूज्ड है एंड जितना साइज एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन की गई है अलोंग विद द बेजल्स एंड ऑल द स्टफ। अब प्राइस की बात करूं तो ये एग्जैक्टली 3000 रुपए की आती है एंड डेफिनेटली यस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। बहुत कम प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि यस आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो एंड ये प्रोडक्ट उसमें से ही एक है, बिलीव मी यू विल थैंक मी लेटर। अब क्योंकि ये वॉच काफी ज्यादा पॉपुलर है तो इसके सारे ना मल्टीपल वेरियंट आ रहे हैं, 2000 रुपए का भी वेरियंट है मार्केट में, 2500 का भी है, इवन 1000 रुपए का भी है, लेकिन किसी की टच बहुत ज्यादा घटिया है, किसी की डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी के बिल्ड मटेरियल बहुत ज्यादा चीप है या फिर किसी का ओएस सुपर चाइनीज है जो बिल्कुल भी देखने में एंड चलाने में अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि अगर अपने लिए ले रहा हूं पहनने के लिए, पहले तो क्लोन ले रहे हैं तो क्लोन में भी क्यों ना अच्छी क्वालिटी ली जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 2 दिन के अंदर कम से कम 4 जनों ने टोक दिया कि भाई 85000 रुपए की घड़ी पहनी है तूने, वो नहीं पहचान पाए कि भाई मैंने एक 90 या 85000 रुपए की नहीं बल्कि एक 3000 रुपए की क्लोन वॉच पहनी हुई है। सो अगर आपको ये वाली एग्जैक्ट क्लोन मतलब मास्टर क्लोन वाली वॉच खरीदनी हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फुल्ली ट्रस्टेड वेबसाइट है, कोई यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। इनका एक टेलीग्राम भी, अगर आपको खरीदने से पहले कुछ बातचीत करनी हो, कन्फर्मेशन चाहिए हो तो इनका टेलीग्राम भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इनसे बातचीत कर सकते हो। इस तरीके के और प्रीमियम गैजेट्स में आपको इंटरेस्ट हो तो उसके भी वीडियोज लाएं या फिर नहीं, आपका क्या ओपिनियन है नीचे आप मुझे बताना जरूर। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ स्टे सकास्टिक सी या। इन वॉचेस का क्या करना है? कौन सी? अरे एक मिनट वापस आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि ये जा रही है गिव अवे पे, तो सीन ऐसा है कि आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये वाली जो घड़ी जब आपके पास पहुंच जाएगी गिव अवे में तो आप ऐसा क्या कर लोगे जो अभी नहीं कर पा रहे हो, एंड ये आंसर्स ना फनी एंड सरकास्टिक होने चाहिए, जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा उसको मिल जाएगा। चलो एक काम करते हैं ना, एक ये डील थोड़ी सी और स्वीट कर देते हैं, 3000 लाइक्स वीडियो पे पहुंचते ही एक ये वॉच गिव अवे के लिए एलिजिबल हो जाएगी, लेकिन 6000 लाइक्स अगर आ जाते हैं वीडियो पे तो ये सेकंड वॉच भी गिव अवे हो जाएगी। तो मेक श्योर आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, बहुत मजा आएगा। आपको नीचे कमेंट करके अपने आंसर्स बताने हैं एंड वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड्स को भेजना जरूर भाई, क्योंकि यूट्यूब एल्गो को भी तो जगाना है। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक एंड सी या, गुड बाय।